नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा में मची भगदड़ के विषय में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 11 विधायक और 3 मंत्री भाग चुके हैं। आज इनकी हम राजनीतिक कुंडली की विश्लेषण करेंगे। चुनाव नज़दीक आते ही उत्तर प्रदेश में सियासी भगदड़ मची हुई है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। अब तक भाजपा के 3 मंत्री और 11 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इन 11 विधायकों और 3 मंत्रियों की आज हम राजनीतिक कुंडली देखते हैं। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की। योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दी। वे 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे। 2007 और फिर 2012 में 2 बार बसपा से विधायक रहे। 2017 चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ से उन्हें टिकट मिला और जीत हासिल की। मौर्य के बेटे को भी भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। बेटी भी भाजपा के टिकट पर 2019 में सांसद चुनी गई। दूसरा दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान पहली बार 1996 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2009 से 2014 तक बसपा के टिकट पर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2014 में भी बसपा से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। तब भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण राजभर ने चौहान को 1,45,000 वोटों से हराया था। 2017 चुनाव से पहले दारा सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया था। पार्टी ने उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव मधुबन सीट से भाजपा की टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में इन्हें वन पर्यावरण मंत्री भी बनाया था। तीसरा धर्म सिंह सैनी। 2012 में धर्म सिंह सैनी से ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2017 चुनाव से ठीक पहले वह भाजपा में शामिल हो गए और फिर जीत गए। योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चौथा राधा कृष्ण शर्मा। पंडित आरके शर्मा ने 2007 में बसपा के टिकट पर बरेली की आंवला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में विधायक बन गए। इसके बाद 2012 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर 2017 में बदायूं की बिलसी विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट लेकर उन्होंने दाव खेला और फिर जीत गए। पांचवा राकेश राठौर। राकेश राठौर व्यापारी थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर सदर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन राजनीतिक करियर में अच्छी पैठ न होने के चलते चुनाव हार गए। कुछ सालों तक राजनीतिक गलियारों में पैठ बनाई। इसके बाद वह गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सीतापुर की सदर सीट से चुनाव लड़े। इसमें उनको जीत मिल गई। राकेश राठौर शुरुआती दिनों में ही तालमेल ठीक न होने के कारण सरकार को कोसने लगे थे। छठा माधुरी वर्मा। बहराइच जिले के नानपारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक माधुरी वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। माधुरी वर्मा की छवि दल बदलू नेत्री की रही है। 2010 से 2012 तक पहली बार बहराइच सरवस्ती क्षेत्र से बसपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुई थी। माधुरी वर्मा 2012 में कांग्रेस के टिकट पर नानपारा सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और लगातार दूसरी बार नानपारा सीट से विधानसभा पहुंची थी। माधुरी वर्मा के पति और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा की बीते साल मई में 14 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी हुई थी। सातवां दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे। 2012 में संत कबीर नगर से खलीलाबाद से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2017 में फिर से चुनाव लड़े और जीत गए। अब भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। आठवां भगवती सागर। कानपुर देहात के गोपालपुर के रहने वाले भगवती प्रसाद सागर की राजनीतिक यात्रा बाम सेफ से शुरू हुई। वर्ष 1993 में वह बसपा के टिकट पर भोगनीपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने। वर्ष 1996 में उन्होंने क्षेत्र बदल दिया। बिलौर में बसपा के टिकट पर उन्हें सपा से शिवकुमार बेरिया को हराया। प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो वह राज्यमंत्री बने। वर्ष 2002 में भी उन्होंने बिलौर से ही किस्मत आजमाई, लेकिन शिवकुमार बोरिया से चुनाव हार गए। अगली बार 2007 में उन्होंने झांसी की मऊरानीपुर सीट को चुना तो किस्मत ने साथ दिया और वह विधायक बन गए। मायावती की सरकार में वह फिर से राज्यमंत्री बने। 2012 में उन्होंने बसपा छोड़कर खुद को राजनीतिक से दूर कर लिया और जोग गुरु से जुड़ गए। हालांकि यह स्थिति सिर्फ एक चुनावी सत्र ही रही।
1996 में वह बिलौर से जीत चुके थे और भाजपा के बिलौर में अपनी जीत का खाता खोलना था, इसके लिए वह भाजपा दूसरे के करीब आए। 2017 में वह भाजपा के टिकट पर बिलौर से लड़े और फिर से विधायक बने। 9वां ब्रजेश प्रजापति। ब्रजेश प्रजापति ने बसपा से आकर भाजपा का दामन थामा था। ब्रजेश बसपा सरकार में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य के पद पर रहे। 2012 में चुनाव प्रभारी और विधानसभा तिंदवारी के बसपा प्रत्याशी रहे। बसपा ने बाद में टिकट काट दिया। इसके बाद कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने 2017 में भाजपा का दामन थामा और मोदी लहर में विधायक बन गए। रोशन लाल वर्मा। शाहजहाँपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा सबसे पहले 2007 में बसपा से विधायक रहे। 2012 के चुनाव में भी बसपा से विधायक बने। 2016 में बसपा से निष्कासन के बाद भाजपा का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। अब सपा में शामिल हो गए हैं। 11वां विनय साक्य। औरैया के बिधुना से विधायक विनय साक्य 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2017 में पहले इन्होंने पाला बदल लिया और भाजपा के साथ जुड़ गए। 12वां अवतार सिंह भड़ाना। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले अवतार सिंह भड़ाना 64 साल के हैं। इनकी राजनीतिक सफर लंबा है। कांग्रेस के टिकट पर फरीदाबाद से 3 बार और मेरठ से 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2017 में भाजपा से मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से वह चुनाव जीत सके। भाजपा के विधायक रहते हुए अवतार भड़ाना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की फरीदाबाद सीट से कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के रिकॉर्ड मतों से हार हुई। 13वां मुकेश वर्मा। 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुकेश वर्मा ने चुनाव लड़ा था और हार गए। 2017 में पहले वह भाजपा में शामिल हो गए। सिकोहाबाद से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 14वां बाला प्रसाद अवस्थी। 2007 में बसपा के टिकट पर लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ने वाले बाला प्रसाद अवस्थी ने एक बार फिर दल बदल लिया है। 2017 चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हुए थे, अब वह सपा में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर जब इन 14 लोगों के राजनीतिक कुंडली को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लोग 2017 से पहले भाजपा के थे ही नहीं और इनका दल बदल हर 5 वर्ष में समय के अनुसार होता रहता है। ये हरदम सत्ता पक्ष की ओर भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए राजनीतिक छवि भी कोई परेशान करने वाली नहीं है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शायद इसका खामियाजा भाजपा को नहीं हो पाएगा। फिर हम और लोगों के राजनीतिक कुंडली के साथ मिलेंगे। नमस्कार।